बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज रास और आज आपको बताने वाले हैं एक नई अपडेट आई हुई है और आपका एक रिजल्ट भी घोषित हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी का। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका रिजल्ट घोषित हो चुका होगा, मुझे बताएं। यदि नहीं हुआ है तो हाल ही में हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी आपको एक बैड न्यूज कह सकते हैं, गुड न्यूज के साथ में बैड न्यूज भी है। एक बैड न्यूज ये है कि आपका जो रिजल्ट घोषित हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी वालों का, बहुत सारे छात्र जो फेल हो रहे हैं। अब यार फेल हो रहे हैं तो उसका रीजन भी आपको पता होगा कि आपके नंबर कम आने का रीजन है भी फेल होना। सिंपल तरीके से आप दो सब्जेक्ट में फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल है, कोई कोई छात्र तीन सब्जेक्ट में, ये छात्र दो सब्जेक्ट में फेल है। अब इसको पास कैसे होगा, अब इसका तरीका क्या है पास होने का? यदि तीनों सब्जेक्ट में आप फेल हो तो पास होने का तरीका क्या है? सुन लो मेरी बात को, तरीका है, समझ रहे ना? अब हमें यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाना होगा। कैसे, क्या तरीका है? देख लो, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि आपको देखो, यदि आप एक नंबर से काम करोगे, मैं बोल दूं एक नंबर से आप चाहो कि पास होना चाहते तो आप नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप यदि दो सब्जेक्ट में फेल हो तो कोई जरूरत नहीं, आप इंप्रूवमेंट डाल ही नहीं सकते ना, रिवोल्यूशन को यूनिफॉर्म डाल सकते, रीचेक कराओगे नंबर बड़े या ना बड़े कोई पता नहीं है। आपको तरीका क्या हो, पहले तो ध्यान लो कि हमें पहले अपने आप पर विश्वास होगा कि हाँ मैंने कॉपी में लिखा है बिल्कुल सही है और सही करके आया हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ये 50 में से 5 नंबर क्यों मिले, सबसे पहला रीजन ये है, 50 में से 5 नंबर क्यों दिए गए, पहले तो मुझे ये बताया जाए। उनसे कहना चाहूंगा जिसने भी ये 50 में से मुझे 5 नंबर दिए हैं वो क्यों दिए हैं, ये 50 में से 5 नंबर क्यों दिए हैं, पहले तो ये बताया जाए, ठीक है? वही 50 में से 11 और 11, ऐसे कैसे हो सकता है कि सेकंड पेपर में भी 11 और थर्ड पेपर में 11, ये पहली गलती। देख लो, यूनिवर्सिटी खुद बोलती है ये गलती कैसा, ये लोग कॉपी पूरी तरीके से चेक नहीं करते हैं, आपके अंदाज बस काम खत्म, भाई बहुत लेट हो रहा है फटाफट काम कराओ तो काम दे दो नंबर, ये चल रहा है अभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है? आपको क्या करना होगा पहले मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लो। आपका क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की बात है, ये बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट है जिसे हम बीएससी कह सकते हैं, बीएससी कर रहा है और ये सेकंड ईयर में है, आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये क्या है, 2022 का पेपर अभी घोषित हुआ है, आप देख सकते हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है? सीजीएसएम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो कानपुर में यूनिवर्सिटी कॉलेज था उससे रिलेटेड था, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए मेरी बात को, समझ लो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके पास तीन सब्जेक्ट थे, तीनों सब्जेक्ट आपको साफ साफ नजर आते होंगे, पहला था केमिस्ट्री, फिर था जियोलॉजी, फिर था बॉटनी, फिर मेंडल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें 100 में से उसको 49 आए, बिल्कुल पास है, उससे मतलब नहीं हमें। अब इस चीज से हमें बात करनी है, यहाँ ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल्स नंबर है या फिर वाइवा के नंबर है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें फेल करने वाला कोई आपको पैदा नहीं है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी फेल तब होते हो जब आप क्या है अपसेंट लग जाती है, अपसेंट लग जाएगी तब आप फेल होगे, वरना प्रैक्टिकल में कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल में कितने बैंग बहुत कहते ना बहुत दमदार वाले बाबू नंबर दिए आपको, देखो 50 में से कितने दिए, 42, 50 में से 39, ठीक है? अब देखो 50 में से 41, क्या बात है भाई, बाबू लोगों सब ध्यान से समझो, ठीक है? अब यहां से क्या किया है लोगों ने, देखो एक बात समझने की है, हम खुद समझ जाएंगे कि आप कोई भी देखकर इस रिजल्ट को बता सकता है कि इसको मनगढ़ंत बनाया गया है, बिल्कुल, और आपके भी रिजल्ट को ऐसे ही बनाया गया होगा। एक बात बताइए, एक कोई टीचर है वो कॉपी चेक कर रहा है, मान लीजिए आपकी कोई कॉपी चेक कर रहा है और ऐसे कैसे दे सकता है नंबर 11 11, 18 18, ठीक है 18 15, ये क्या होता है कि छात्र ने किसी भी कॉपी को, उसने किसी भी सब्जेक्ट को अपना कॉमन सब्जेक्ट नहीं माना है, अपना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है उसका, क्या बताइए मुझे ऐसा हो सकता है? अब एक बात बताइए, यहां उन्होंने 50 में से कितने दिए हैं, आपको साफ नजर आ रहा है या नहीं, मुझे बताइए एक बार देख लेता हूं, बिल्कुल नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है आपको, 50 में से कितने दिए हैं, 5 नंबर, यहां दिए 50 में से 11 नंबर, यहां दिए 50 में से 11 नंबर, ये केमिस्ट्री के हैं। हमें यहां टोटल जो पूर्णांक है वो कितने का है, 150 का है, यदि आप तीनों पेपर देंगे तो 150 नंबर का हो जाता है बेटा, 150 नंबर का यदि आपका पेपर है थ्योरी वाइज है, तो उसमें से आपको 150 में से 50 नंबर आप ले आते हैं तो आप 50 में से पास हो जाते हैं, समझ रहे हैं? 50 नंबर ले आएंगे आप पास हो जाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 49 नंबर आ जाएगा तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन ग्रेस से पास हो गए, लेकिन कंपलसरी पास होने के लिए हमें 50 नंबर की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब यहां देखिए हमारे कितने नंबर इसके बने, 11 दूनी 22 और 22 पर 27, मतलब कि इस छात्र के जो बने हैं वो 27/50, मतलब कि 150, मतलब 150 में से इसको 27 नंबर दिए। अब सोचने की समझने की बात है, इस छात्र से मेरा अभी कॉल आया, अभी हाल ही में इससे बात हुई मेरी, ठीक है? तो उन्होंने कहा सर मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा है, और जो मुझसे सीनियर थे, मानता हूँ मुझसे बड़े अच्छे नंबर थे, वो काफी अच्छे नंबर थे, पढ़े लिखने बहुत अच्छे ठीक थे, उनके भी ऐसे ही नंबर दिए हैं,
केवल पास हुए हैं, उनकी परसेंटेज बहुत लो है, ऐसा हुआ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मैंने उन्हें गाइड किया क्या करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्या करना होगा। पहले समझ लो, यहाँ देखो 50 में से कितने दिए, 17, 50 में से 18, 50 में से 18, ये कोई तरीका होता है पे नंबर देने का भाई? मुझे बताओ, इस कॉपी को चेक किया उस छात्र ने, 18 ही नंबर आएंगे, इसको भी चेक करेगा तो भी 18 आएंगे, या जो चेक करेगा 17 नंबर आएंगे, ये कैसा हो सकता है यार? किसी में 25 भी तो आ सकते हैं, किसी में 5 भी तो आ सकते हैं, ये एकदम कॉमन कैसे रख सकते हो आप लोग, समझ रहे हैं ना? सेम नंबर कैसे रख सकते हो? तो वो चीज हुए, ये सब जो है ना वो मनगढ़ंत नंबर दिए गए आपको, समझ लो मेरी बात को। अब इनको ठीक करने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है एक नया तरीका। पहली बात तो वो उन्होंने कॉपी आपकी चेक करी ना हो, ऐसे ही दे दिया हो, कॉपी चेक भी की है तो कोई क्वेश्चन को नहीं चेक किया है, या चेक भी कर दिया उसके नंबर नहीं जोड़े हो, ऐसे बहुत सारे केस आपको देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि टीचर को चाहिए क्या, कॉपी भाई, पैसे मिलते हैं उनको, फटाफट मारी खत्म लो भाई, उनको क्या जा रहा है, उनको तो पैसा मिल रहा है। और यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि भैया 50% रिजल्ट देना है आपकी, याद रखना। वो कह देती है कि भैया 48, क्योंकि आपको पता है 2019 में क्या हुआ था, केवल 38% रिजल्ट रहा था, 100 में से 38% छात्र पास हुए थे, बताओ, समझने की बात है। तो वही कह देना कि आपको बस 50% रिजल्ट देना है, मतलब कि 50% बच्चों को फेल करना है, कुछ भी करो। उसमें से कहेंगे कि 25% को क्या करो, 10% को दो विषय में गिराओ, 10% को तीन विषय में गिराओ, और कम से कम 25% को एक विषय में गिराओ, और टोटल को कम से कम कुछ सब्जेक्टों में या किसी ने एनवायरमेंट में या स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन में गिरा दो, लेकिन गिरा दो। उनका कहने का मतलब ये होता है कि भाई इंप्रूवमेंट डाले तब वो पास हो, ये उनका कहने का। तब देखो ये यूनिवर्सिटी का एक पता है एक साजिश चलती है, ठीक है, वो पैसे कमाने का साजिश है, मैं बोल रहा हूँ सिंपल तरीके से यही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाहती है, आप मान लो किसी भी छात्र, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, क्या उसके आधार पर आपको कभी नंबर दिए गए, मुझे बताइए, आपके नंबर काट के दिए गए, क्यों काटे भाई बताओ? मैथ में एक छात्र था, मैथ में कभी नंबर कटते हैं, मुझे बताओ, मैथ में कभी नंबर कटते हैं? आपने एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और उसने आंसर निकाल दिया तो उसके 10 नंबर क्लियर होते हैं, 9 नंबर देने का आपका कोई अधिकार नहीं है, बताइए है या नहीं, मुझे बताइए कभी अधिकार है या नहीं? आप कहोगे नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार लिख के कि मैथ के कोई क्वेश्चन का आंसर आप करके आते हैं और वो 10 नंबर का है, ठीक है, और वो मुझे ये बता दे कि वो 10 का 10 मिलेंगे उसमें नंबर, 9 नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते भाई, 9 10 के 10 मिलेंगे, क्योंकि मैथ में कभी मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, कटते नहीं नंबर की, राइटिंग की काट ली, कुछ नहीं होता, आंसर आना चाहिए। अभी एक बात और है, अभी एक बीओएमएस स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था, और ये बरेली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वो शायद मेरठ का था, लड़की थी, तो उसने क्या किया, उसका एक विषय में उसे बैक दे दी, और उसने जब अपनी कॉपी देखने गई यूनिवर्सिटी में तो उन्हें कॉपी दिखाई गई और उस क्वेश्चन को चेक तो किया था लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर के नंबर नोट नहीं किए गए। क्या था इसका रीजन, मतलब कोई बता सकता है? ये सब साजिश होती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना, और उन्हें चाहिए कि भाई इतने परसेंट बच्चों को फेल करना है, इतने को पास करना है, इतना ऐसा होता है। ऐसा कोई छात्र तो मेहनत नहीं करता है, अपनी नजर में सारे मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करके गए होंगे, और आपके साथ ऐसा हुआ है तो एक ही रीजन है इसका, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब आपके पास जो भी है, देखो इसमें भी ये बच्चे का 27 नंबर आए हैं, और इसकी बात की जाए तो देखो 51 और 51, 17 थी 51, 52, 53, इसके 53 नंबर इसमें आए हैं, और इसकी बात की जाए तो 18, देखो यहाँ होगा 36 और 37 नंबर इसमें आए, तो ये दो विषय में फेल है, मतलब कि एक केमिस्ट्री में फेल है और एक बॉटनी में, दो विषय में फेल है, ध्यान से रखना, दो विषय में ये फेल है, ठीक है, ये दो विषय में फेल है, जूलॉजी में केवल पास है। अब यहाँ इसके 27 नंबर है और यहाँ इसके 37 नंबर है, अब इसे पास होने के लिए इसमें कितने की आवश्यकता है मुझे बताइए, क्योंकि 50 नंबर का है तो कम से कम इसको 13 नंबर इसमें चाहिए तब ये पास होगी, ठीक है, 13 नंबर पे ये पास हो जाएगी, वहीं इसके लिए कम से कम इसको 3 और 23 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, 23 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी इसमें पास होने के लिए। अब इसको काफी मेहनत करनी है, ठीक है, या तो इसका साल बर्बाद हो जाएगा। अब ये है क्या है भाई, फीमेल है, ठीक है, ये है फीमेल, अब फीमेल है तो क्या होता है, घर वाले देखो एक लड़की जब फेल हो जाती है ना तो उसके घर वाले उसको टोकते हैं कि अब तू मत पढ़, रहने दे, और उसके घर वाले सोचते हैं यार ये फेल भी हो गई है दोबारा क्या पढ़ेगी, इसको शादी कर दो, बहुत सारी मतलब ना मन में चलती रहती है उनके विचार माँ बाप के कि अब ये नहीं पढ़ पाएगी, मतलब ऐसे ही कर रही है, पढ़ पढ़ कुछ नहीं रही है, तो वो नहीं जानते कि उस पर क्या बीत रही है, मैं बोल रहा हूँ।
वो नहीं जानते उस पर क्या बीत रही है कि वो फेल क्यों हो गई, मेहनत की थी उसने, कॉपी लिख के आई थी, वो फेल क्यों हो गई भाई, गलती किसके थी। सोच बदलो अपनी, और इन फैमिली वालों से बोलो सोच बदलो, ये वीडियो को उनको सामने दिखा देना, ठीक है, सोच बदलो यार, गलत किसी को नहीं बोला, क्योंकि यहां गलती बच्चे की नहीं है, बच्चे के साथ साथ उस टीचर की भी है जिसने कॉपी चेक की है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी की है जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ रही है, ठीक है, 100% कोई भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं देती, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब इसका एक तरीका क्या है, अब आप अपनी मतलब आपको यदि किसी भी फैमिली वाले को ये लगता है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा पढ़ा नहीं है, ठीक है, गलती इसकी है, तो गलती देखने के लिए एक तरीका है आपका, तरीका नंबर एक याद रखिए, तरीका नंबर एक क्या है कि सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड को लेंगे, एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगी, सेवा में कुलपति महोदय निवेदन इस प्रकार है, या फिर प्रबंधक जी निवेदन इस प्रकार है कि मेरा रोल नंबर ये है और मैं कक्षा इतने की छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है, और उनसे बोलिएगा, उसमें लिखिएगा और छात्रा हूँ, उसके बाद लिखना कि मैं रोल नंबर ये लिख देना, कॉलेज का नाम लिख देना, रेगुलर बेस पे सेकेंड ईयर है और मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और उसका जो पिन कोड होता है ना कॉलेज का, पिन कोड जरूर डाल देना, एक कोड होता है हर कॉलेज का, एक कोड मिलता है, वो कोड जरूर डालना, ठीक है, कि इस कोड से थ्रू आपको बताना है, और मैं जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरी केमिस्ट्री और बॉटनी की जिस छात्र में आप फेल हुए हैं, जिसमें भी आपको यहाँ इसका 17 नंबर है, ठीक है, तो इसके तो बढ़िया लग रहा है कि हाँ चलो यार इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसमें तो पास हो ही गया हूँ। आप देखो इन दोनों की क्या करिए, आप कॉपी को निकलवाइए और आप वहां जाकर उस एप्लीकेशन को जमा करिए, ठीक है, ऑफिस में जाकर जमा करिए, एक से दो दिन का टाइम लेगा वो, एक से दो दिन का टाइम लेगा कि भाई वो कहेगा कि दो दिन बाद आ जाना अपनी कॉपी देख सकते हो, ठीक है, तीन दिन बाद आ जाना अपनी कॉपी देख सकते हो। अब जाओ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एनीवे मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जाओ एक बार, ठीक है, और जाने के बाद में जस्ट वो मिनट रुकेंगे, देखिए जाने के बाद क्या करेंगे आप लोग, एप्लीकेशन लिख के लेके गए, जमा कर दिया, वो एक से दो दिन का टाइम लेगा, एक से दो दिन का, और आपको दूसरे दिन तीसरे दिन जाना होगा, अपनी कॉपी को चेक करना है। अब कॉपी चेक करने के लिए आपको दो तरीके हो सकते हैं, अपने आंखों से तो आप देख लोगे कि ये कॉपी, हाँ एक क्वेश्चन देखो चेक नहीं किया है, चेक तो किया है, नंबर नहीं दिए, आपके सामने सब दिखाई देगा, ये भी किया है, ये देखो पांच नंबर, यार एक बंदा ऑब्जेक्टिव करके आ जाएगा ना तो पांच नंबर मिल जाते हैं, समझ रहे हैं, ये क्या है, पूरी कॉपी, बहुत छात्रा कह रही थी पूरी कॉपी भर के आई हूं मैं और ये कुछ नहीं है इसमें से कम यार कुछ तो नंबर दो, समझो यार, छात्रा को इतना मत कराओ किसी को भी। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है, ये चीज अपने कौन कौन से क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर निकलवा दो उससे, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर निकलवाओ उससे, बॉटनी के जो केमिस्ट्री के जितने पेपर है कोई निकलवाओ यार, उसका अधिकार है दिखाने का, ठीक है, और फिर भी नहीं दिखाता तो आरटीआई डालो, यदि कोई यूनिवर्सिटी मना करती है तो आरटीआई डालो और आरटीआई के थ्रू उनसे कहो कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, ठीक है, उनसे कहो कि मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए मेरी, ये अपना रोल नंबर देख देना, कॉपी कोड यदि पता है तो कर देना, वरना कोई जरूरत नहीं, अपनी एप्लीकेशन लिखकर सीधे ऑनलाइन अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, या फिर अपने किसी भी नजदीकी कैफे पे जो ऑनलाइन चलाता है उस पर जाकर के उनसे कहो कि मुझे केमिस्ट्री और बॉटनी की कॉपी देखनी है, वो अप्लाई कर देगा, लगभग में 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर पर उस कॉपी की फोटो स्टेट आ जाएगी, समझ रहे, यूनिवर्सिटी खुद करके देगी तुम्हें सब कुछ, आरटीआई यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं डाली जाती, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, समझ रहे ना, समझ रहे ना, आप इतना आपको करना है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत किसी से पूछने का अधिकार है वो हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन चीजों के बारे में पूरी कॉपी ले लेंगे, पहली बात तो आप सिंपल तरीके से बिना कानून का सहारा लिए आप यूनिवर्सिटी जाकर उनके प्यार से ले लो, यदि कोई यूनिवर्सिटी दिखाने से इनकार करती है कि भाई हम नहीं दिखा पाएंगे तो आरटीआई के थ्रू आप उनसे मांग लो, तो फिर वो क्या करेगा, आपको फोटो स्टेट करा के कॉपी की तो देगा, लो भैया
आपको भेज देगा पोस्ट ऑफिस द्वारा, या आप खुद यूनिवर्सिटी जाकर ले सकते हैं। सब कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं आपको, सब कुछ आपको गाइड वो रास्ता बताई जा रही है जो आपके पास होने की है। ठीक है, इतना आप तरीका करेंगे, जब आपको जहां गलती लगेगी इस पेपर में मेरा ये क्वेश्चन 20 नंबर बढ़ रहे हैं, 20 नंबर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखो 20 नंबर। एक तरीका और है, उससे पहले कॉपी देखने से पहले अपने फोन में या आपका मोबाइल यदि अंदर जाने दे रहा है, वो अंदर लेके जाने दे रहा है, तो चुपके से फोटो खींच सकते हो फोटो खींच लो, यदि नहीं खींच सकते तो अपने मोबाइल में स्पाई कैमरा यूज करो। ठीक है, स्पाई कैमरा को यूज करो जो बिल्कुल शांत, मतलब कि इस डिस्प्ले वगैरह नहीं जलती है। यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे स्पाई कैमरा। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद में चुपचाप उसकी वीडियो बना लो, नीचे रखो ऐसे करके, और जेम जेम में रख लो ऐसे करके, झुका लो ऐसे करके, ठीक है ना, और उसको कॉपी को देख लो कि भैया कहाँ कहाँ गलती हुई, वीडियो पूरी बन जाएगी आपके सामने, आप पर एक प्रूफ हो जाएगा, और आप किसी के थ्रू कहीं भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना, हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से अपने कॉपी के ऊपर अधिकार जमाकर, समझ रहे हैं ना, आप अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं अच्छे वाले, दोबारा से कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन ये चीज है फ्री की चीजें, जो फ्री में आपको होने वाली है, ये इसमें कोई पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, अब मान लो अटे थ्रू बिल्कुल फ्री में होगा, लगभग जो भी चार्ज आएगा 10-20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए जो भी ऑनलाइन चार्ज आएगा भाई वही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब फ्री में होता है, आप इतना काम करेंगे। ठीक है, इन दोनों की आप कॉपी आराम से देख लेंगे, और जो तुम्हें आपको मान लीजिए इसमें आपके 18 नंबर सही मिल रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही है, लेकिन आपको लग रहा है मैं इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा करके लाया हूं, आपको लग रहा है इससे भी ज्यादा करके आऊं, आपको लग रहा है इससे मैं ज्यादा करके आऊं, तो आपको क्या करना है यार भैया, इससे ज्यादा करके आओ तो इस कॉपी को देख लो, देखने में क्या जा रहा है मेरा, और आपको जो जो गलती लग रहा है इसमें गलती है, इसमें नंबर मेरे 2 बढ़ जाएंगे, इसमें 4 बढ़ जाएंगे, इसमें 8 बढ़ जाएंगे, इसमें 10 बढ़ने वाले, इसमें 25 बढ़ने वाले हैं, सबको नोट कर लो, और वो फिर कार्रवाई करते हैं। ठीक है ना, अपने तरीके से फिर क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन और लिखेंगे, एक एप्लीकेशन और लिखेंगे, उसमें कहेंगे सर प्रबंधक जी महोदय कुलपति को सीधे दे देना है, ठीक है, और या फिर परीक्षा निरीक्षक को दे देना है। ठीक है, उनसे बोलना है अध्यक्ष को, जो परीक्षा निरीक्षक होता है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें देने के बाद में कहना कि सर ऐसी सी बात है और मेरी कॉपी में इतने इतने नंबर बढ़ रहे हैं, मेरी कॉपी को दोबारा चेक कराया जाए। यदि वो कह रहा है सर रिवोल्यूशन फॉर्म डाल दो, सर मुझे रिवोल्यूशन फॉर्म नहीं डालना, मेरी कॉपी को जिस तरीके से किया था ना वैसे करना है, रिवोल्यूशन फॉर्म मैं नहीं दे पाऊंगा और ना देने की मैं करता हूं, कि मैं दोबारा से मैं पैसा दूं मैं आपको, फिर से मेरी कॉपी चेक की जाए, सर एक बार में मेरी कॉपी देखी जाए दोबारा मंगा लूं, तो वो कहेंगे ठीक है, रिक्वेस्ट करना उनसे कि सर मंगाओ कॉपी मंगाओ। ठीक है, यदि वो कॉपी मंगाते हैं, कॉपी मंगाएंगे पहली बात, तो वो दिखाएंगे कि ठीक है देखो, तो वो कहेंगे ठीक है मैं कॉपी आपकी दोबारा चेक कराता हूँ, तो आपके दोबारा से नंबर चढ़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, रिवोल्यूशन फॉर्म डालोगे उसमें पैसा लगेगा 250-300-500-1000 जो भी लगेगा। ठीक है, और इंप्रूवमेंट डालोगे तो भी पैसा लगेगा भाई, लगता है, सुन लो मेरी बात को, ये जितने फॉर्म फिल होते हैं उसमें पैसा लगता है और लगेगा, आगे भी लगता रहेगा। ये सिंपल जो मैंने प्रोसेस बताई थी ये फ्री की है, इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, रिवोल्यूशन फॉर्म, रीचेक फॉर्म, कॉपी, बैक पेपर, ये 3 रिवोल्यूशन पहले पड़ जाते हैं, उसके बाद में इंप्रूवमेंट, यदि इनमें पास नहीं होते हैं बैक पेपर वगैरह में तो इंप्रूवमेंट पड़ जाता है, इंप्रूवमेंट में पास नहीं होते हैं सब में फेल हो जाते हैं, तो आपको एक्स फॉर्म पड़ता है। ये तरीके होते हैं इनको पास होने का। ठीक है, इसके बाकी कोई तरीका नहीं है, आप एक्स फॉर्म पड़ेगा दोबारा से, फिर से जनवरी फरवरी मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे और आप दोबारा से सारे के सारे पेपर देंगे, ये 9 पेपर हुए, 9 के 9 पेपर देंगे ज्योलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के दोबारा से, तब आपके ये नंबर आएंगे। ठीक है, और एक बार अपनी फैमिली को यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो यार कोई आपके ऊपर आरोप गलत सोच रहा है आपके बारे में, तो इस वीडियो को जरूर दिखा देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ही ये एक तरीके से रचा हुआ एक खेल होता है, जिसमें आप सब लोग एक मोहरा बने होते हो, एक कह सकते हैं घोड़ा बने होते हो, जिधर आपको चला दिया जाता है उधर आप चलने लगते हो, आपको भी बदलना होगा तभी ये यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी, आपके बारे में सोचेगी, और आप भी इसी तरीके से एक घोड़े की लगाम में लगे रहे ना, इधर मोड़ा तो इधर मुड़ गए, इधर मोड़ा तो इधर, तो आप समझ रहे आगे भी आप ऐसे ही होगा, आपके साथ में धोखा मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना कुछ एक जो आपके अधिकार हैं उन अधिकारों को उनके सामने पेश करना है, मतलब रखना है, यदि ऐसा कुछ कर रहा है तो आरटीआई के थ्रू आप मांगो, यदि ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में जाओ यार, सीधे याचिका दायर करो साले पे, क्या दिक्कत है, यूनिवर्सिटी का बाप भी करेगा। ठीक है, सब कुछ नंबर बढ़ाएंगे यार, जब गलती तुमने की है तो सुधारने का अधिकार भी तुमको है, हमको नहीं है, समझ रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि ऐसा करें। ठीक है, और बाकी प्यार से, जितना प्यार से हो रहा है उतना प्यार से करिए, और जितना थोड़ा और क्रोध में हो रहा है तो क्रोध से करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना अधिकार जरूर लीजिए, मेरा मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इतना करेंगे और एक एप्लीकेशन लिख के पहले कॉपी को देखेंगे कि हाँ गलती यदि यूनिवर्सिटी के अंदर है, कॉपी चेक करने में उसने गलती की है,
तो सजा उसको देंगे। दोबारा कॉपी चेक कर पाएंगे तुरंत, बुलाओ सर टीचर कौन सा था, उसमें सिग्नेचर होता है टीचर का, इस टीचर ने साइन किया, ठीक है उसको भी आपको नोट करना भाई, टीचर साहब बताओ मेरी कॉपी कहाँ गलती थी जो आपने नंबर काट दिए बताओ, ठीक है उसका नंबर दो और आप उसके बाद में चेंज हो जाएगा आपका पेपर। और रिवोल्यूशन फॉर्म डालोगे तो यार पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो आप जानते हैं वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है वो लोग फिर भी ऐसे तुक्का मारते हैं। और वही आता है ना 0.5% यदि इंक्रीज होगा, मतलब उनका मतलब ये होता है यदि 5% इंक्रीज होगा या मतलब कह सकते हैं बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है 5% यदि नंबर बढ़े तो आपको नंबर बढ़ाए जाएंगे, 5% कम बढ़े कम हुए तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना यदि 5% से कम या ज्यादा नहीं हुए तो आपको क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या है कुछ भी चेंज नहीं होगा, और लिख के आएगा इसमें अगले क्या आएगा एक और ऑप्शन नो चेंजिंग, ये लिख के आएगा। अब समझ लो अब आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से जो मैंने बोला है स्टार्टिंग से आपको समझाया है वो आप तरीका अपनाइए, और कोई भी फैमिली मेंबर्स आपका कुछ भी ऐसा कुछ बोल रहा है गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ में तो उन्हें इस वीडियो को छोटी सी वीडियो को जरूर दिखाइए और उन्हें बताइए गलती हमारी भी हो सकती है और गलती यूनिवर्सिटी के भी जो एग्जामर है जो कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है, ठीक है प्रोफेशनल लोग होते हैं तो यार वो लोग क्या करते हैं जल्दी में पैसे के लालच में, कहते ना पैसा लालच है ना, तो वो चीज है पैसे की लालच में वो लोग जल्दी जल्दी कॉपी को चेक करते हैं और आपको आपके भविष्य के साथ खेलते वो नहीं है, हम उनको भी आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी का एक कुछ रूल होते हैं, यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई मुझे इतने परसेंट बच्चे ही पास चाहिए बाकी इतने परसेंट बच्चे फेल चाहिए, आप क्या करोगे कैसे फेल करोगे, एक में करोगे दो में करोगे चार में करोगे पांच में करोगे मुझे पता नहीं आप करो, क्योंकि पैसा तभी तो आएगा जब फेल होगे वरना कहां से आ जाएगा यार, समझ रहे हैं? तो आप इतना याद रखिए इन छात्र का, देखो इस तरीके से रिजल्ट आया था, ये देखो फील्ड का ऑप्शन आया है फील हो गया वो, और यहाँ देखो पहले इसके 600 में से पहले ये देखो टोटल है, ये इसका टोटल है 600 में से ये देखिए, और ये टोटल यहाँ आया है 478 1200 में से, मतलब कि जो पहले 600 था उसका जो फर्स्ट ईयर का आपको देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर है प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है 239 नंबर आए हैं, सेकंड ईयर में देखो ये है प्रीवियस ईयर मार्क टोटल प्रीवियस ईयर मार्क 239, इस तरीके से 9, 18 इसमें 200, 239 उन दोनों ने दिए हैं, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ी कर दी है, बाकी इतना है बाकी आप देख सकते हैं खुद अपने आप से ही कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से आप जब दो विषय में सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप एक्स फॉर्म के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं कर सकते, एक तरीका है यदि आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप एक्स फॉर्म डालेंगे इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है यदि एक दो नंबर से फेल है तो आपका स्टार लग जाएगा और आप पास हो जाएंगे, और इसके अलावा सिर्फ यही है कि आप कॉपी को देखिए और कहीं गलती कर रहा है तो उस पर आरोप लगाया जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहता हूं, और कोई भी इशू आ रहा है आपकी लाइफ में तो मुझे यार एक बार जरूर गाइड करिए ताकि मैं उसका एक सही रास्ता बता सकूं और एक थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद के साथ में चलते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।